नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हमने साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम MPSC के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। उसके पहले हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम बनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें ताकि आप अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्नों पर। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर है ए हाइड्रोमीटर। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूसरा प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। इसका राइट आंसर है डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, जबकि आयतन, भार एवं द्रव्यमान तीनों में परिवर्तन हो जाता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका राइट आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कॉपरनिकस, डी आइंस्टीन। इसका राइट आंसर है ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, जो कि सेब के पेड़ के नीचे बैठी थी और सेब के गिरने के कारण ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का विचार आया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इसके बाद उन्होंने तीन नियम और दिए थे। घड़ी की कुंडली कमानी में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी दाब ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ए अरस्तु ने, बी पुंकजे ने, सी मोलमोल ने, डी लेमार्क ने। इसका राइट आंसर है डी लेमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुंकजे। इसका राइट आंसर है ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है थ्रियोफ्रेस्टस, लाइनस, प्लिनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए थ्रियोफ्रेस्टस, जो कि वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में सिलेबस के अकॉर्डिंग है और टॉपर्स के द्वारा ही यह नोट्स बनाए गए हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विशेष PDF भी तैयार की गई है, जिसे आप मात्र 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, हिप्पोक्रेट्स। इसका राइट आंसर है डी हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का, डी विषाणु का। इसका राइट आंसर है ए शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है कार्यकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्ग की। इसका राइट आंसर है सी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
पारिस्थितिकी के अंतर्गत संपूर्ण पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण से तात्पर्य परिधन आवरण, बाह्य आवरण जो हमें चारों ओरों से घिरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पर्यावरण का, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का, उसमें रहने वाली प्रजातियों आदि सभी का अध्ययन विस्तृत रूप से पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए फेनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बॉटनी। इसका राइट आंसर है बी फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है ए शैवालों की संवर्धन का, बी वनों के विकास का, सी कवक के संवर्धन का, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी वनों के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनों के विकास का वर्णन होता है, वनों के संवर्धन से संबंधित वर्णन होता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए बीज का, बी पत्ती का, सी फल का, डी परागकण का। इसका राइट आंसर है ए बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी में अध्ययन होता है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। इसका राइट आंसर है बी भूमि का। पेडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरिकल्चर, सी अनुवांशिकी, डी उद्विकास। इसका राइट आंसर है सी अनुवांशिकी। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube वीडियो को देखने के लिए। आगे के ऐसी उपयोगी वीडियो में हम आपको PSC, जेल प्रहरी, पुलिस कॉन्स्टेबल आदि संपूर्ण कॉम्पिटिशन एग्जामों की वीडियो प्राप्त होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, Twitter और Telegram पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बनस एजुकेशन पॉइंट। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा की मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकती हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाई गई है। आगे ही ऐसी वीडियो में हम आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।